हेलो दोस्तों, अगर आपके पीसी में ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई एक की आप एक बार प्रेस कर रहे हैं और वो आप लगातार प्रेस ही होती जा रही है और कंट्रोल नहीं हो रही है और बैक भी नहीं कर पा रहे हैं आप। देखिए, यहाँ मैं बैक कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से हो ही नहीं रही है। अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बताऊँगा और इस प्रॉब्लम को ठीक करके आपको टाइप करके आराम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे बोर्ड में अर्थिंग की सेटिंग नहीं की जाती है या अर्थिंग नहीं रहती है। तो हमें यहाँ पे इसका जो बोर्ड है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमें एक अर्थिंग देनी है। अर्थिंग देने के बाद ये बटन सही से काम करेगी। तो दोस्तों, अर्थिंग देने के लिए ये एक तार है। दोस्तों, इस तार को हम किसी भी लोहे के, जैसे कि ये एक जंगला है और यहाँ ऊपर जो वो रॉड दिख रही है उसमें या कहीं भी अटैच करेंगे। इसके बाद तार के दूसरे वाले हिस्से को, यहाँ ऊपर वाला जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये जो प्लग में ऊपर वाला एक हिस्सा मोटा सा रहता है, ये अर्थिंग वाला रहता है, इसी में हमें यहाँ ला करके लगाना है। या फिर कोई बढ़िया से आप सेटिंग करवा सकते हैं किसी इलेक्ट्रिशियन से। अगर खुद से करना है तो इसी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारी अर्थिंग कंप्लीट हो गई है। अर्थिंग कंप्लीट करते टाइम दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आप जिस भी लोहे में इसको अटैच कर रहे हैं अर्थिंग को अपनी, वहाँ पे कोई भी जंग या फिर पेंट ना हो, उसको बढ़िया साफ़ कर लें, जैसा कि हमने कर लिया है। इसके बाद दोस्तों, अब हम टाइपिंग करके देखते हैं। तो मैं अब यहाँ पर एक लेटर कोई टाइप करके देखता हूँ। दोस्तों, मैंने जी टाइप किया, जी ही टाइप हुआ पड़ा है। जे टाइप किया, जे ही टाइप हुआ पड़ा है। इसके बाद कई सारी की टाइप करके देख लेता हूँ मैं। तो दोस्तों, मैंने जितनी भी की टाइप की उतना ही पड़ा है, बार बार ऑटोमेटिक टाइपिंग नहीं हो रही है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से भी देख सकते हैं अपना पड़ा है टाइपिंग। अब यहाँ से मैं बैक स्पेस भी के लिए दबा दे रहा हूँ, तो देखते हैं बैक स्पेस काम कर रही है कि नहीं। दोस्तों, हमारी सारी बटन बढ़िया से प्रॉपरली काम कर रही है। तो दोस्तों, आप इस तरह से अर्थिंग दे करके अपनी ये टाइपिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपका कीबोर्ड दोस्तों बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, आपका कीबोर्ड बिल्कुल सही है, बस आपको अपने कंप्यूटर में अर्थिंग देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप अपनी अर्थिंग दे करके बढ़िया से टाइपिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।